अध्यक्ष उद्बोधन से उपकृत करने की कृपा करें श्री गोवर्धन दास जी। पहले तो मैं सबसे क्षमा मांग लेता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, बीच में अंग्रेजी शब्द आ जाए तो क्षमा कीजिएगा। आज इस मंच पर आसीन आदरणीय सुरेश भैयाजी जोशी, भारतीय विचार संस्थान न्यास की अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी, अन्य अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित समाज के प्रबुद्धगण, बंधु एंड बहनों, एक बार मुझे पूजनीय संचालक बालासाहेब देवराज जी का उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस दिन भी इसी संदर्भ में चर्चा हो रहा था, इसको बोलते संयोग। उस दिन से मेरे जीवन का परिवर्तन आया हो, परमानेंट जो परिवर्तन आ गया, और उन्होंने उसी दिन यही एक मंत्र दिया था, शान सेवक का अर्थ ही है जो दूसरे के सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसकी उदाहरण आपको उस दिन से जब मिल रहा था, आज के दिन में भी आप देखेंगे उदाहरण हर एक जगह प्रस्तुत है। भारत हमेशा यही मंत्र में चलते हैं, ये सेवा परम धर्म, ये युग युगांतर से चलते आए हुए हैं। हमारी जो स्वयं सेवक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भी इसी मंत्र सिखाई जाती है, यही हमारी मंत्र बीज मंत्र है। एक और यही स्वयं सेवक संघ का जी, हमारी स्वयं सेवक जो आप देख जाएंगे, कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा आता है, भयावह दुर्घटना आता है, पहले उन्हीं लोग पहुंचते हैं। ये ओनली स्वयं सेवक का नहीं है, हमारी सेना का बीज मंत्र मूल मंत्र है, ये सेवा ही परम धर्म। आप ये हम किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, अंग्रेजी शब्द आ गया दोबारा है तो क्षमा प्रार्थी। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जो हमारी सेना के ऊपर हर रोज पत्थरबाजी होता है, लेकिन जब उनका कोई बार आ जाता है, कोई दुर्घटना आ जाता है, हमारे स्वयं सेवक पहले ही पहुंच जाते हैं, कई बार दिखा गया। ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएगा केरल में, केरल में हमारी कितना स्वयं सेवक की कितना बार इन लोग ये प्रेरित किया गया, लेकिन हमारे स्वयं सेवक वही जाके पहली सेवा देते हैं। और कोरोना काल में आप लोग देखे हैं स्वयं सेवक हर जगह पहुंचे हैं, हर जगह पहुंचा, अपना जीवन हथेली में रख के काम कर रहे हैं। ये नहीं है, ये हमारे भारत की परंपरा है, हमारी जन सामान्य के हृदय में, हृदय के अंदर है कि ये किसी एक भिखारी किसी घर के सामने आके भोजन मांगते हैं तो हमारी जो माता जननी है कभी उनको खिला विमुख नहीं होते, उनको दे देते हैं, खाना दे देते हैं, बिना खाना खाए वो जाते नहीं है। ये हमारी परंपरा है, हमारी धर्म है, और वही माता अपने बच्चे को कटोरी लेकर बाहर भेज देते हैं जो किसी को, जो जिसको नीडी है, जिसको चाहिए उनको दान देते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी धर्म है, इस धर्म से ही हमारी भारत को महान कहलाया जाता है। भारत के इतिहास में अनेक ऐसा उदाहरण आपको मिल जाएगा कि आप सबको पता ही है महर्षि दधीचि के बारे में। महर्षि दधीचि अपना अस्थिया दे दिया था, जो जानते हुए भी उनको खुद को हरण करेगा, यही हमारी परंपरा है, हमसे वही से हमें शिक्षा मिलता है, और आज के दिन में भी यही परंपरा चल रहा है। उदाहरण तो ऐसे बहुत है, ऐसे आप देखेंगे, आप लोग सबको बख्तियार खिलजी का उदाहरण तो आपको सबको पता ही है, जिसने हमारी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, वो 3 महीने तक जलता रहा, हमारी
जो इतिहास हमारी जो शिक्षा बहुत कुछ उसमें चले गया, वो हमारे ऊपर बहुत बार आक्रमण कर रहा था। लेकिन उनको जब वो बीमार पड़ गया, जब मृत्यु मुक्षी है, तब हमारी जो आचार्य राहुल राहुल श्रीभद्र ने उसको तो चिकित्सा किया था। वो ऐसा आदमी था जो कोई दवाई लेने का इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भद्र जी ने उन्हें क्या किया, बोला आप कुरान पढ़ो, तो कुरान के अंदर वो दवाई हाथ में तोड़ दिया था, उसी का जो ध्यान है उसी में उनका चिकित्सा हो गया था, वो बीमारी खत्म हो गया। तो हम सेवा किसी प्रकार में हम लोग सेवा देने को तैयार है। और एक उदाहरण आज के जरूर बोलना चाहिए, समा साहब जो उन्होंने महाराणा प्रताप को अपना जिंदगी का सारे जो जितना कमाई था जितना कुछ था उनको समर्पित कर दिया था, मुगल से जाके लड़ो उनके लिए, यही है। और इसको बोलते हैं, इसको बोलते सेवा। सो नेक्स्ट जो मैं उदाहरण रख दूंगा, जगत गुरु स्वामी रामचंद्राचार्य जी, वो अपना दो माह उम्र में अपना दृष्टि खो दिया था, लेकिन उसने 22 भाषाओं में प्रदर्शित उसने ये ले लिया था, एक्वायर कर लिया था। उन्होंने चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय स्थापना की, इसी के बोलते दान, इसी के बोलते सेवा। आज के दिन में भी वही उदाहरण मिल जाएगा। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, एक बोलता है दवाई बाबा द मेडिसिन बाबा, उनका असल नाम है ओमकार नाथ शर्मा, जो दवाई बचे रहते हैं, जो वो घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, करके जहाँ जिसको जरूरत पड़ता है उनको देते हैं। आज उनकी उम्र है 85 साल, 85 years old, आज के दिन में भी कोई सेवा में समर्पित है। हमारी यही परंपरा रहा, हमारी संस्कृति में नर को नारायण रूप में देखा जाता है। वर्तमान पीढ़ी में भी यह भाव जागृत रहे, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य के मन में समाज सेवा के भाव नहीं आएगा, तब तक उस राष्ट्र की समृद्धि संभव नहीं। आज हमारी भारतवर्ष, आज हमारी ये सेवा के, आज बहुत हमारे ऊपर बहुत बार अटैक हुआ बहुत, लेकिन भारतवर्ष को कभी मिटा नहीं पाया। हम लोग आज भी हमारी सर ऊपर है, आज सुपर रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। युवा में मानव सेवा, समाज सेवा की भाव जागृत करने शिक्षित संस्थाओं को भी विशेष योगदान होता है। ये योगदान, ये सारे हमारी जो एडुकेटेड पीढ़ी है, एडुकेटेड सोसाइटी है, इनको भी आगे आके उसको भार संभालना पड़ेगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम लोग सब जो जिसको सुनने के लिए ललित है तो हमारी सब साथ में उपस्थित है। मैं अपना ये वक्त यही विराम देता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद। सेवा किसी लालच या उद्देश्य के लिए नहीं है, अपितु व्यक्ति में सर्व